खबर उत्तराखंड के भगवानपुर से है, जहां नकली दवाइयां बेचने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने गिरोह के लीडर विशाल और गिरोह के सदस्य पंकज की करीब 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया है, जिसमें फैक्ट्री, मकान और कृषि भूमि आदि शामिल है। भगवानपुर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। भगवानपुर थाने में दर्ज MDPS एक्ट के तहत और जो इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विकास, विशाल और पंकज, इनके विरुद्ध जो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई, करीब 4.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी कल इनकी सीज की गई है। और इसी तरीके के जो कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन ले रहे हैं और आगे और भी लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है, उसकी हम प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की।